ये सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं, हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री पटेल साहब आ रहे हैं, 11 राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये इस घड़ी का एक वाकई ये बहुत अलग क्षण होगा। मैं मध्यप्रदेश के इतिहास का वाकई आज गौरवशाली दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष माननीय जे पी नड्डा जी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास के नए आयाम गढ़े, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते से नई शपथ लेने जा रहा हूं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जिस ढंग से देश उन्नति कर रहा है, मध्यप्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। मैं अपनी करोड़ों करोड़ों जनता की मध्यप्रदेश की आशाओं अपेक्षाओं के आधार पर सभी लोगों को साथ लेकर के बगैर राग द्वेष के सुशासन के लिए कटिबद्ध मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ, और विक्रमादित्य के उस सुशासन के काल को, माननीय विक्रमादित्य के शासन काल में हम एक बार फिर नीचे यथार्थ पे उतरते देखेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति आभार। सर, देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं, हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री पटेल साहब आ रहे हैं, 11 राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये इस घड़ी का एक वाकई ये बहुत अलग क्षण होगा। मैं उस इंद्र की सभा में तो हम सब कभी कल्पना ही करते हैं, लेकिन ये लघु इंद्र की सभा की तरह आज ये शपथ समारोह रहेगा। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार फिर आगे अब देखेंगे क्या करते हैं। धन्यवाद। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।